सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अशोत्तर सतश्री श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद की लाला बन करके जन्म हुए और कैसे ब्रजवासी लोग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया बड़ी जोर से कैसे उत्सव मनाए। यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले अज्योति सन अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर भी सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। कृष्ण कहते अर्जुन मेरा जन्म नहीं मैं अजन्मा लेकिन अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले फिर भगवान जन्म क्यों लेते हैं बोले भक्ता नाम अनुग्रह भक्तों को ऊपर में ठाकुर जी कृपा करना चाहते हैं। कृष्ण जैसे कल जन्म हुए तभी तो हम सबके साथ इतने सुंदर जन्म उत्सव मनाए कितने आनंद आए। आज ठाकुर की बड़ी सुंदर सुंदर लीला कथा भी सुने। अगर भगवान जन्म नहीं होते तो फिर हम क्या कथा सुनते फिर बैठी करते फिर दुनियादारी बात करते बैठी करते। इसलिए भक्तों को ऊपर में ठाकुर जी अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए ही ठाकुर जी जगत में जन्म लेते हैं। इसलिए हमारे टीकाकार लोग इसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताते हैं कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों। आज मैं आपको 10 उदाहरण बताऊंगा। कल आपसे सबसे मैं पूछूंगा इसको याद है कम से कम एक एक व्यक्ति एक एक कारण बताना ठीक है ध्यान दे कृष्ण। इसका एक साधारण कारण है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इस धरती ऊपर में दुष्टों का अत्याचार होने लग जाता है माता को ऊपर में गैया को ऊपर में पृथ्वी में साधु संतों को ऊपर में अत्याचार होता है मैं उस समय में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है बोले भक्तों को ऊपर में ठाकुर जी कृपा करने के लिए ही किसी जगत में अवतीर्ण होते हैं। ठाकुर वैकुंठ में बैठी बैठी करके भी ठाकुर जी की इच्छा मात्र से चुटकी बजा से ही ठाकुर जी दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं। भगवान को मारने का कोई जरूरत नहीं वो वैकुंठ में बैठी बैठी सब कुछ कर लेगी। आप लोग रामायण देखे होंगे जिस समय में विभीषण ने रावण से बोले देख रावण हम कुलस्थ के बंधन धरे हमारा कर्तव्य नहीं पराया स्त्रियों को उठा कर लिया ये माँ सीता स्वयं जगदम्बा जग जननी ये लक्ष्मी है अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो ये लक्ष्मी को जा वापस देख के आओ। रावण उन्होंने लात मारे विभीषण को और विभीषण लुढ़क से नीचे गिरा और अपना राज मुकुट उन्होंने
रावण को चरण में रख करके प्रभु राम की शरण में आ गए। जब प्रभु राम की शरण में आए, अभी भगवान ने राम सबसे प्रश्न करते हैं, बताओ अभी विभीषण को स्थान देनी चाहिए नहीं? कोई भी बोले, कोई भी उनको बताए नहीं किसी को चरण में स्थान दो। बोले क्यों? बोले एक तो कल सवेरे युद्ध होने वाले, आपका शत्रु का भाई है, ये राक्षसों को समझना बड़ा कठिन है। क्यों? इसीलिए किस उद्देश्य में लेकर के आए? सबके सब इनकार कर दिए, लेकिन एक व्यक्ति ने स्वीकार किया। एक व्यक्ति बोले शरण दो, बताओ तो कौन था? कौन था बोलो? हम लोग रामायण देखते हैं, कौन था? कहते हनुमान। हनुमान जी बोले प्रभु शरण दो। बोले क्यों? बोले मैं जब माता सीता को ढूंढने के लिए गया था, सबसे पहले मैंने तुलसी की बगीचा देखी। तुलसी बगीचा देख करके ही मैंने वहां पर उतरा, समझ गया कोई जरूर भक्त का घर होगा। फिर क्या देखा? घर के ऊपर में लिखा हुआ श्री राम भवन। मैंने कहा मेरे प्रभु का नाम कैसे यहाँ लिखा हुआ? ये तो लंका है, लंका में ये राम भवन कैसे आ गया? इतने किसने जा करके रावण को चुगली कर दिया? बोले तू राम से तो रावण से चुगली किया। बोले तू राम को तो शत्रु मानते हो, लेकिन तेरे घर में तो राम के सबसे बड़े भक्त तेरे ही घर में। बोले कौन है? बोले तेरे सगे भैया विभीषण। बोले पता कहीं चला? बोले जा करके देखो घर को सामने क्या लिखा हुआ। रावण भागते भागते आया, देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम भवन। रावण बोले विभीषण तू मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया? बोले कहाँ पर? बोले क्या तुमने लिखा है? बोले शत्रु का नाम कहा? मैं तो अपने भाभी भैया को प्रेम करता हूँ उनका नाम। बोले कैसे? बोले आपका नाम क्या है? बोले रावण। बोले रावण का पहला कर दिया? बोले राम। बोले पत्नी का नाम? बोले मंदोदरी। मंदोदरी का पहला कर किया? बोले मां। बोले श्री राम भवन रावण मंदोदरी भवन। रावण खुश हो गया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हमें प्रभु की भक्ति करना है ना, छुप करके भक्ति करनी चाहिए। अगर सबके सब विरोध होना, फिर क्या करोगे? विभीषण जैसे उनसे शिक्षा ग्रहण करो। राक्षसों को बीच में रहते हुए भी कैसे प्रभु का भजन करता था। इसलिए यदि वहां पर श्री फिर विभीषण फिर हनुमान जी सोच रहे हैं, देखा संकट चक्र गदा पद्म का चिन्ह। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कभी कभी अपना घर का नाम है ना अपना नाम पर रख लेते हैं, नहीं रखनी चाहिए ठाकुर जी का नाम पर। किसकी घर, किसकी कृपा से घर मिला है? ठाकुर जी की कृपा से घर मिला है, हैं? इसलिए घर में अपना नाम तो नहीं लिख करके ठाकुर जी का नाम हम लिखनी चाहिए। घर को सामने ऐसे कुछ चिन्ह हो जिसको देखते ही पता चले भैया इसमें कोई भक्त रहता है। अगर रावण में लंका में अगर विभीषण भी वहां पर राम भवन शंकर चक्र गदा पद्म चिन्ह तुलसी पौधा रख रहे हैं, क्या हम भारत में बड़ों श्री ठाकुर में क्या ऐसे नहीं रख कर सकते? लेकिन कभी कभी हम क्या लिख देते हैं घर को सामने, कुत्ते से सावधान। इसका किसी घर में कौन रह रहे हैं? बोले कुत्ते लोग रहे, कुत्ते ही तरह सबसे लिखते हैं कुत्ते से सावधान। एक ऐसा चीज जल्दी दीजिए, इसलिए घर को सामने ऐसे चिन्ह रखो, ठाकुर जी का ऐसे कुछ बनाओ जो लोग आकर के देखते ही पहचान जाए भैया किसी भक्त का घर है, ये किसी भक्त का घर है। इसलिए फिर हनुमान जी सोच रहे हैं भैया ये राक्षसपुरी हो ना हो, मेरे को भ्रमित करने के लिए किसने ये सब चीज को प्रकट नहीं कर दिया? हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में गए। देखा विभीषण लेटा हुआ, जिसकी रोम रोम से श्री राम रोम रोम से राम का नाम निकल रहा था। बोले ये पक्का भगत है, ये कपटी नहीं, ये पक्का भगत है, क्योंकि जो कपटी की रोम रोम से कभी राम का नाम नहीं निकल सकता है, जो संपूर्ण कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति ही तब भी उसकी रोम रोम में प्रभु राम के नाम
सभी आ सकती हैं। फिर दिव्य हनुमान जी साक्षात्कार हुआ, इसलिए कौन कह रहे, हनुमान जी कह रहे हैं, बोले साक्षात्कार हुआ, फिर पता चला विभीषण को हनुमान जी कौन है, राम की सबसे बड़े भक्त श्री हनुमत लाल जी, बोले श्री हनुमत लाल की। इतने में विभीषण क्या कहता है, आज मैं भाव भरोसा हनुमंता और तीनों हरि कृपा बिना मिले ही नहीं सकता। फिर तो उन्होंने बोले माता सीता कहाँ पर, बोले देख हनुमान तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ है, अगर बाप और माता की मिलन हो तभी तो शास्त्र कहता है ना, इसलिए तू एक काम कर मैं एक काम करता हूँ, बोले बताओ, बोले मेरे पास में माँ अशोक वाटिका में सीता है, मैं माँ से मिला देता हूँ और तेरे पास में पिता प्रभु राम, तू मेरे को राम से मिला देना। बोले ठीक है, अभी मैंने मिले किससे मिले, मैंने जा करके मिले माता सीता से। जब विभीषण को रावण ने चरण के ठोकर मार करके उन्होंने भगा दिया वहां से, जिस समय विभीषण आया पंद्रह लोग पूछे भैया तू कौन हो, बोले रावण के छोटे भैया, अरे उनको रस्सी में बांध घूम करके लेकर के आए, बोले भैया हनुमान जी कह रहे थे मैं बाप से मिला दूंगा, ये तो मेरे को रस्सी में बांध करके लाए, लेकिन देख रहे थे यहाँ पर हनुमान है, हनुमान जी है, देख करके ना उसका कलर हो जाऊंगी, बोले क्यों, बोले कोई परिचित व्यक्ति है काम कर सकती है। इतने में हनुमान जी पूछे कैसे हो, बोले तो बात मत करो, बोले क्यों, बोले मैंने तेरे को माँ जी से मिला दिया था, तुमने क्या बताया था पिताजी से मिलाने के लिए, देखो मेरे को रस्सी में बांध कर मिला। हनुमान जी ने पूछा अपना परिचय तुमने क्या दिया था, बोले रावण का छोटे भाई, बोले तभी तो बांध मिला, अगर तू इतना परिचय देता मैं हनुमान का मित्र हूँ, हनुमान जी की मित्र होकर क्यों स्वागत कर लिया, पहले ही तुमने गलत परिचय दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई पूछे है ना तुम्हारी परिचय क्या है, इसलिए जब हमारे पास में कोई आते है ना हरिनाम लेने के लिए, पर हम उसका नाम बदला देते हैं, उसको ब्रह्मा संबंधी बना देते हैं, उसको कोई भगवान की नाम भक्तों का नाम पर रख देते हैं, हैं अपने आप को अमुक शर्मा अमुक नहीं नहीं बोलनी चाहिए। गुरु जी जो नाम भगवत संबंधी नाम दिए हैं, राधा दासी कृष्ण दास राम दास दामोदर दास, भगवान की दास परिचय देनी चाहिए, तभी तो हमें स्वागत करके ठाकुर के पास में ले जाएंगे, अगर अपना अभिमान से अपना नाम लोगे फिर तो तुमको बांध करके ले जाएंगे, तुम्हें बांध घूस करके जमदूत ले जाएंगे, फिर नरक में ले जाएंगे। इसलिए इतने में कोई भी वहां पर राजी नहीं हो रहे थे ये विभीषण को चरण में स्थान दो, केवल एक हनुमान जी थे, बोले प्रभु नहीं नहीं देखा, इन्होंने ही मेरे को माता सीता की परिचय दिलाया था, कहाँ पर है उन्होंने बताया था, लेकिन कोई भी राजी नहीं हो रहे थे। देखो प्रभु राम क्या कहते हैं, बोले जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, ब्रह्म हत्या क्यों नहीं हो, गो हत्या भी क्यों नहीं हो, अगर मेरे शरण में एक बार आ जाए तो भगवान राम सप्त समुद्र को साखी करके कहते हैं, बोले सक्रीत एव प्रपर्णा जन्तवा जाचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम् मम। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते सप्त समुद्र को, अगर मेरे चरण में एक बार कोई आए, इतने बड़े पापी क्यों नहीं हो, एक बार अगर बोल दे प्रभु राम मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अभयम सर्वदा तस्मयी, मैं हर समय उसको अभय प्रदान करता हूँ। विभीषण भले ही जो कुछ क्यों नहीं हो, अगर मेरे शरण में आया है ना, मैं कभी शरणागति व्यक्ति को त्याग नहीं दे सकता हूँ। रावण को मारना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, मैं वैकुंठ में बैठ बैठ करके, बोले जिनकी एक इशारा मात्र से ही, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधाति विभूति वृन्दम्, कहते जिनकी एक इशारा हो जाए ना
एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि भी प्रलय हो जाती केवल एक इशरा पर। रावण को मेरे लिए मारना थोड़ी कोई बड़ी हरी बात है, मच्छर को जैसे पीस देते मैं पीस सकता हूँ। इसलिए मैं कभी भक्तों को त्याग नहीं दे सकता हूँ। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप लोग कोई जय नहीं रहे, कोई जय से हे बोल रहे, जोर से बोलो। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए यहाँ पर एक कारण बताए, भगवान अपना भक्तों को रक्षा करने के लिए अपना भक्तों को दर्शन दे करके उनको विरह से दूर करने के लिए ठाकुर जी किसी जगत में अवतीर्ण होते हैं। यदि ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब कंस का कारागार में ठाकुर जी प्रकट हुए, देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हमने बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो चतुर्भुज लेकर के चमकीले चमकीले कपड़े और शंख चक्र लेकर के आप प्रकट हुए हो। अब भगवान कहते देखो देवकी वसुदेव, तुम दोनों पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतवा थे, पेड़ की जो पत्ता गिर जाता था उसको खा खा करके भजने की आए। जब मैंने बोला बलमा दो, तुम दोनों ने ये बताया था आप जैसे हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, बोले मेरे जैसे कुछ होते ही नहीं। क्योंकि उपनिषद कहता है न तत् समस्या अधिक सदृशते, उनसे बड़े की बात छोड़ दो उनकी बराबर भी जगत में कोई भी नहीं। असमर्थ तत्व बोलवा, बोले ठीक है मैं तुम्हारी बेटा बनकर के आ जाऊंगा। इसलिए वो बाकियों को रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ, अभी मैं बालक बन जाऊंगा और मेरे को लेकर के गोकुल में छोड़ करके वहां से एक लड़की को क्यों यहाँ पर ले आना। यदि ये एक कारण है। बोले चौथा कारण है, यदि द्रोण और भरा ये दोनों भी राजा रानी थे, ये लोग पितामह ब्रह्मा जी को उपासना की, ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बोले गर्मा दो, बोले प्रभु जैसे एक बालक माँ की पेट से जन्म लेता है आप मेरे पेट से जन्म ले, जैसे माँ उसको पलना में झुलाती है दूध पिलाती है अंगुल पकड़ करके ढुमुक ढुमुक करके चलाती है, ऐसे मैं चाहता हूँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर हुए नंद यशोदा रूप में आए और ठाकुर जी गोकुल में जन्म ग्रहण किया है। पंचमा कारण बताए, कल वामन देव प्रकट हुए थे, जब भगवान वामन देव बलि महाराज जी के घर में आए उनकी एक बेटी थी द्रव्यमाला। माताओं का स्वभाव है अगर किसी सुंदर किसी बच्चे को देख लेना तो उसको गोद में लेने की इच्छा करता है। बोले अगर ऐसे एक बालक होता तो तीन बार गोद में लेकर मैं उसको प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं मैं बालक बनकर के आ जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें दो पग में सब कुछ ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, जो पर्व पास में बांध दिए, बोले अगर तू मेरे बेटे बन करके आओगे ना तेरे को दूध क्या पिलाऊंगे, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। फिर वही ये पुतना बन करके आती है, ठाकुर जी दूध भी पीते हैं उसकी जहर को भी ठाकुर जी पी लेते हैं। फिर ये भी एक कारण है। छठवां कारण बताए, जब भगवान राम गए दंडकारण्य में, वहां पर रावण की जो बहन सुपर्ण का थी ठाकुर जी की कितने रूप देख कर गई तो बाबरी बन गई और बड़ी सुंदर धन बन करके आई। बोले भगवान मेरे को जितने सुंदर बनाए तू भी इतने सुंदर, इसलिए मेरे से शादी कर ले। बोले भैया मेरी पत्नी तो सीता है। बोले इसने क्या रखा हुआ, हाथी हाथी को जो है नहीं, तू देख मैं कितने सुंदर ही। इसलिए राम बोले देखो मैं सतीव्रता मैं मर्यादा पुरुष समूह हूँ, सीता के सिवाय मैं किसी को भी ग्रहण नहीं कर सकता। लक्ष्मण गए थे जंगल में लकड़ी लेने के लिए, जब आए बोले ये कौन है, बोले मेरे छोटे भाई है। बोले ये भी तो देखने में कम सुंदर नहीं, तो बड़े सुंदर है, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ। बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन रोक सकता, खुद करके देख ले। लक्ष्मण के पास में गए,
लक्ष्मण बोले, मैंने देखा भाई से कुछ बोल रही थी, बोले वो मेरे प्रेम को समझाने, क्यों मेरे प्रेम को समझोगे, मेरे से ब्याह कर ले। बोले ये बताओ तू तो रानी बनना चाहती है ना दासी? बोले रानी। बोले तो मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवा करते कर चल जाओगी, रानी बनने की स्वप्न देख लो जा राम को पास। फिर गए राम ने फिर चिंता कर दी, बोले जानता हूँ मैं कौन हूँ, प्रार्थना करने वाले नहीं हूँ, मैं रावण का बहन सुपर्णा हूँ, ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है इसको मैं खा लेती हूँ। फिर सुपर्णा तो अपना स्वरूप में आ गई, भगवान राम बोले नाक कान कटवा दो, और उन्हें नाक कान कटवा दी, लेकिन प्रभु के हृदय में बैठा चुकी थी। भगवान मेरे दयालु भक्त वत्सल है, वही मेरे कुबजा बन करके आती है, कृष्ण लीला में ठाकुर जी मेरी कुबड़ी को ठाकुर जी सर्जरी ऑपरेशन करके मेरे उसकी कल्याण कर देते हैं, ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। बोले श्री कृष्ण कहते हैं लाल की जय हो। हाँ देखो हमारे जो कृष्ण है ना, ये ऐसे एक ठाकुर जी है, किसी को छोड़े नहीं, किसी रूप में जिसको दुनिया में कोई भी ग्रहण नहीं किया उसको हमारी बातें बिहारी ग्रहण करते हैं। कुबड़ी भी आ गई, राक्षस भी आ गए, कोई भी आ गए, लेकिन ठाकुर जी कभी उसको प्यार नहीं दिए। ठाकुर जी बड़े दयालु बांके बिहारी, जब ये एक आदमी उसका आत्मा कारण बता दें, जिस समय में भगवान राम लक्ष्मण गए जनकपुरी में, इतने में भगवान राम विश्वामित्र जी से बोले, बोले गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा है ये थोड़ी जनकपुरी को दर्शन करने करना, थोड़ा दर्शन करा के ले आओ। बोले दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किए, क्या सुंदर दो भाई, मानो एक साथ में चंद्र सूरज प्रकट हो गए, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर पहने हुए, जिस गली में जाए बोले श्री राम लक्ष्मण की जय हो। गली गली में दोनों भैया की जय जयकार हो रहा है, जितने सब किशोरियां थी ना, कोई घरों के से दर्शन कर रही थी, कोई छत के ऊपर से, जो घरों के से थी दर्शन कर रहे थे दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी थी ना दर्शन भी हो रहा था। बोले क्यों? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कभी भी सार उठा करके पराई स्त्रियों को कभी उन्होंने देखा ही, हर समय प्रभु राम सर को नीचे करके चलते थे। इतने में जो छत को ऊपर में खड़ी थी, ठाकुर का सर तो नीचे था, दर्शन नहीं हो रहा था, और ऊपर में जो गोपियां थी वो थोड़ा खांसे, बोले अगर खांसे तो थोड़ी सी हो सकता कृष्ण थोड़ा सर ऊंचा करके रहा, लेकिन ऊंचा किए ही नहीं। पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, लक्ष्मण कौन? बोले गुरु जी। बोले गुरु जी का काम किया? बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिला। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की, बोले भैया देखो तुम्हारी जो सखियां है ना, ये सब छत को ऊपर में दर्शन के लिए जा रही, क्या दर्शन दे दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी, खबरदार इधर उधर मत देखना, सीधा सर को नीचा करके चलो। थोड़ी दूर गए तो फिर खांसे, फिर लक्ष्मण जी प्रार्थना किए। हाँ देखो यहाँ पर जी क्या कहते हैं, जब तक हम किसी गुरु जी की शरण में नहीं जाए ना, अगर हम डायरेक्ट प्रभु से मिलना चाहे प्रभु दर्शन नहीं हो सकता। लक्ष्मण ये गुरु, ये लक्ष्मण आचार्य जी, ये आचार्य तत्व लक्ष्मण है, इसलिए लक्ष्मण गुरु जी रूप में है। जब ये हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ना, फिर ठाकुर जी किसी जीव को पर कृपा करता है। अगर कोई सोचे डायरेक्ट हम प्राप्त कर ले, कैसे? जैसे सुपर्णा, सुपर्णा का क्या चाह रही थी? प्रभु राम से मिलना चाह रही थी ना, क्यों? बोले सीता की जरूरत नहीं, बीच में सीता की जरूरत नहीं, हम अपने आप राम से मिल जाएंगे। क्या हुआ? लक्ष्मण नाक कान काट दिए। इसलिए जो व्यक्ति चाहते हैं हम डायरेक्ट प्रभु से मिलेंगे ना, नाक कान कट जाएगी फिर हमें, फिर ठाकुर जी का प्राप्ति हमें नहीं होने वाले। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विष्णु गुरु भगवती भी तरह न कोई, जो गिरी की शंकर सम हुई।
बोले ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, लेकिन अगर किसी सदगुण संगत नहीं जाओ तो ठाकुर जी प्राप्त हो नहीं सकते। लक्ष्मण जी फिर प्रार्थना की, ठाकुर जी थोड़ी सी दर्शन दो। प्रार्थना करने पर इतने में भगवान राम थोड़ा ऊपर में देखे, ऊपर देखते ही ठाकुर जी इतने सुंदर थे, इनकी सुंदरता को देख करके जितने सखियां ना सबसे तो बेहद हो गई। जब इनकी होश आई राम की चरणी से पड़ी गई, बोले प्रभु हमसे ब्याह कर लो, हमसे ब्याह कर लो। राम बोले लक्ष्मण तेरे को पहले से ही मैं मना कर रहा था, ऊपर देखना नहीं, देखा है ना सबसे सब पीछे पड़ गए, तू इनसे ब्याह कर ले। भगवान राम कहते हैं देखो मैं जब कृष्णा अवतार में आऊंगा ना सबके सब गोपी बन करके आओ, वही लोग सबके सब गोपी बन करके द्वापर युग में आए और हमारे राम के बिहारी को देवदार करते हैं। ये एक कारण है। इसका आठवां नवमा कारण बताए, जब भगवान दंडकारण्य में गए बड़े बड़े ऋषि लोग गोपाल मंत्र में भगवान की आराधना कर रहे थे, लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी। राम कृष्ण एक ही है, अभी उन्होंने राम को देखकर भी कृष्ण भी याद आए और भगवान राम से बोले हमसे शादी करो, राम बोले नहीं। ये अवतार में सीता के सिवाय में किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, ये सबके सब गोपी बन करके आए दंडकारण्य के ऋषि लोग। इसलिए ये गोपियाँ है ना कोई लड़की मत समझो, ये सबके सब लड़की कोई लड़की नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या करके आए हैं, कुछ वेद का मंत्र था, ये लोग भी कृष्ण की उपासना की। भगवान ने बोले बताओ क्या चाहते हो, बोले प्रभु गोपी भाव से पाना चाहते हैं। बोले ठीक है तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, तो वेद का जो एक एक जो मंत्र है ये सबके सब ब्रज में एक गोपी बन करके आए, ये सबके सब ठाकुर जी सबकी ठाकुर जी। और उसका जो और एक कारण बताए, जब एक कोई धोबिन थी वो गई थी पीहर, जब पीहर से वापस आ रही थी बीच में एक नदी पार करना पड़ता था, लेकिन हो गया तस्था रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा था, केवट ने इनकार कर दिया, बोले अकेले स्त्री को बारिश हो रही है मैं तुमको नदी नहीं पार करा सकती। उसको मजबूरी में एक रात कहाँ रुकना पड़ा, एक रात उसको केवट घर। जब दूसरे दिन आई पति ने पूछी दूसरे रात में तुम कहाँ थी, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं राम नहीं हूँ, कहाँ सीता को रावण उठा करके ले गया और वो आया तो बराबर आसन पर बैठा दिया, मैं राम नहीं हूँ, जहाँ पर रात बिताई जिंदगी वहीं पर बिता। लेकिन ये केवट को पता ही नहीं था राम जो रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो कौन थी, वो छाया सीता थी। असली सीता को तो प्रभु राम ने अग्नि को पास में शरण में दे दिया था, उसको तो पता ही नहीं था ये बात। इतने में उसको उन्होंने परित्याग कर दिया, तो धोबिन को उन्होंने परित्याग कर दिया धोबिन को। देखो भगवान जो राम है ना ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए इनके देश का नाम है अयोध्या। क्या नाम है अयोध्या, मतलब क्या जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, उसका नाम अवध, अवध मतलब जहाँ कोई मरते नहीं। इसलिए कहते हैं अगर कोई कृष्ण लीला में प्रवेश करना चाहते हो ना भैया पहले राम लीला को आदर्श बना, जब तक राम लीला को कोई आदर्श नहीं बनाएगा, भगवान राम जो आदर्श देकर गए ना अगर वो आदर्श को अगर सही सही अगर हम पालन करें जगन्नाथ किसी घर में कभी तो युद्ध नहीं होगा, इसलिए उसका नाम अयोध्या अवध, यहाँ पर कोई मरते नहीं। इसलिए राम का जो आदर्श है अद्भुत आदर्श है, भाई भाई में कैसे प्रेम हो हैं, पिताजी के प्रति बेटे का कैसे कर्तव्य हो, उनने सब चीज एक एक चीज प्रभु जी ने हमारे लिए आदर्श रख करके गए। इसलिए राम ने क्या किया, सीता को उन्होंने त्याग दे, वो वाल्मीकि आश्रम में चली गई, लेकिन हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा बगैर पत्नी के आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, नियम है
कोई भी शुभ काम करो पहले पत्नी को वाम पार्श्व में बैठा के करना पड़ेगा। बोले सीता को समझे छोड़ दिए, इसलिए ऋषियों ने कहा तेरे पिता ने तो तीन दिन शादी किए थे, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तुम और एक शादी कर लो। राम ने बोले नहीं, मेरी सीता पवित्र थी, अगर मैंने और एक शादी करता हूँ सीता को ऊपर में कलंक आएगा, लेकिन मेरी सीता पवित्र थी, इसलिए मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, और कोई उपाय बताऊ। बोले सोने की सीता को आप वाम पार्श्व में बैठा करके हम यज्ञ कर सकते हो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। उन्होंने 11,000 साल तक उन्होंने राजस्व प्रभु राम ने किए, हर साल में एक एक यज्ञ किए और एक एक सोने की सीता बनाया करते थे और वशिष्ठ जी प्राण संचार करते थे, सीता साक्षात हो जाती। अभी ये 11,000 सीता गई था, बल ये सबके सब द्वापर युग में सबके सब ये गोपी बन करके आए और भगवान कृष्ण ये सबको ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी सबको स्वीकार किए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये सारे कारण हैं ठाकुर जी अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जगत में क्यों जन्म ग्रहण किए। एक भजन सुन लो, श्री कृष्ण ऐसे गोकुल में नंद के लाला बन के क्या रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, रज मंडल माहे बताए रो रसिकों की सुसंग में मस्ती रहो, जब जाल समाथ बचाए रहो, निहारा करो सब की सुनाथ चकाए रहो। अहो बाकी बिहारी यही विनती मेरे नैनों से नैना लाए रहो, और राजे मोहे ब्रज को बनियो
Oh, my God.
और ज्यादा जान बुझ करके माया में टांग गड़ा कर मत रहा करो, फिर माया से निकल नहीं पाओगे, माया बोलोगे संसार में भजन होगा, इतने आसान नहीं भजन करना। इसलिए घर में भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए वृंदावन में जाओ। इसलिए आप लोग रामायण देखे है ना, देखना जब दशरथ महाराज ने देखा उनकी दाढ़ी एक काला पड़ी है, एक दाढ़ी सफेद हो गया थे, इसका मतलब ऊपर से वार्ती बेल पड़ गया, समय हो गया जाने का। उन्होंने राम को बुलाए, बोले बेटा अभी हम और संसार में रहना नहीं चाहते, चाहते हैं हम बाद प्रस्थ में जाकर के ऋषि मुनियों को शरण में रह करके भजन करें। अगर नहीं गए तो फिर 50 साल के बाद में देखो, उसके बाद में अंक क्या आता है, बोले 69, 60, 61, 62, ये सब सत्य क्यों आता है, फिर तो भैया सठिया बन जाएंगे, फिर और कुछ होने वाले नहीं। फिर बांध जब कच्चा रहता है ना वो तो टेढ़ा हो जाता है, लेकिन पक जाने पर क्या होता है, फिर तो वो फिर उसको टेढ़ा नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए दुनिया में ही 50 साल के बाद में धीरे धीरे संसार का आसक्ति को धीरे धीरे कम करो। कम करते हुए अगर किसी कारण से वृंदावन नहीं जा पा रहे जाओ, तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सत्संग से सत्संग सुन करके भगवान की भजन में जीवन बीतेगा। अगर नहीं जा पाए, अरे कम से कम अपना घर को तो वृंदावन बनाओ, घर में तो रह करके हरिनाम करो, भजन करो ना, दिन भर टीवी खोल कर बैठ करके बैठ रहेंगे ना, जितने बूढ़े को जितना पार्क में जाता हूँ ना सब बैठ करके बिना फजल के दिन भर दुनिया की बात करते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, दुनिया की कोई कोई मतलब नहीं है। नहीं भैया, ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुँचे हैं। भगवान राम स्वयं कहते हैं अयोध्या वासियों, अगर इसी जीवन में भजन नहीं किया तो फिर वही 84,000 भ्रमण करना पड़ेगा। समय रहते चेत जाओ, है समय रहते चेत जाओ, भगवान की भजन करो, हरिनाम करो, कम से कम वृंदावन के घर में हरिनाम करो, ठीक है ना। कौन करेगा हाथ पर हरिनाम, कौन भजन करेगा, अरे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग, इसलिए सबसे सब हरिनाम करियो, भजन करियो। इसलिए मैंने कहा था आज एक माला ले आना, आज कुछ लोग तो आए थे माला लेने के, लेकिन कुछ लोग का दर्शन ही नहीं मिला। इसलिए जिनकी इच्छा है आ करके एक माला ले आना, आप भी करो, पति को भी कराओ, बच्चों को भी, सबको भगवान की भजन में सबक लगाओ। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए परिजन बाबा ने 5 बच्चों को बुलाया, अपने बच्चों हम दोनों पति पत्नी बाल प्रस्थ में जाना चाहते हैं, बड़े बच्चे को हम राज सिंहासन में बैठाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बेटा बोला पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे अंदर में नहीं। ये जो बीच वाले जो बेटा श्री नंदन है इसकी अंदर में ही राजा बनने का योग्य, राजा कौन बन सकता है, वही बन सकता है जो प्रजा को पुत्र पद देते, ऐसे नहीं जब तक गद्दी में बैठे तब तक जनता को शोषण करो और जितने अपना घर भर लो, भैया राजा बनने का कोई योग्य नहीं सबको। यदि राजा वही बन सकता है जो प्रजा को अपना पुत्र बन देखे, भले ये नंद को अंदर भी ये गुण है तब प्रजा खुश होगी, बोले बात सही है। तब उन्होंने श्री नंद बाबा को सिंहासन पर बैठा करके दोनों पति पत्नी भजने के लिए चले गए, लेकिन 4 बच्चों को तो संतान है लेकिन नंद बाबा का घर में कोई बच्चा नहीं। नंद बाबा सोच रहे घर में एक लाला हो जाए क्योंकि राजा कौन बनेगा, लेकिन लाला है ही नहीं, एक एकादशी आई जिसका नाम थी पुत्र का एकादशी, मतलब जो एकादशी करने से घर में पुत्र संतान की जन्म होता है। तो उन्होंने ये पुत्र का एकादशी दोनों मिलकर जब किए, ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखते हैं, बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल सही होता है, दोनों का नींद खुल गई। भैया जसोदा बोली नंद बाबा को, मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा, बोले क्या देखा,
मैंने भी देखा है, पहले तू बता फिर मैं बताऊंगा। पहले मैंने देखा मेरे पीछे पीछे सुंदर एक श्याम रंग का बालक कपड़ा पकड़ करके खेल से करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला ले। मैं चल रहा था नंदो बाबा, बोले मैंने भी देखा तेरे गोद में सुंदर एक बालक तुम्हारे स्तन काम कर रहा है और दोनों धार से दूध बहते बहते कुत्ता दिख रहा है। उसी रात को मैया जसोदा को उसी रात को गर्भवती धारण की, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया। मैया जसोदा नाला देने का जन्म देने वाले जितने गोपियां थी छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी दिन की लहेगा सुंदरी बना करके रखे और जितने पुरुषों लोग थे बगलबंदी धोती पगड़ी बना करके रखे हम सबके साथ पहने करके हम बधाई देने जाएंगे। अभी मैया को अंदर में कुछ गर्भ का चिन्ह देखने को मिला। एक बड़ी बुरी गोपी बोली, बोले मैया जब तू कुंवार थी तुमने जुड़ना केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे हैं। भैया तो डर गई, पहला बार बच्चा मुझे दो बच्चे। बोले चिंता मत करो, राम जो करेगा सो अच्छो करेगा, चिंता मत करो। एक बुरी बोली तेरे गर्भ में लगता है बालक होगा। बोले पता कैसे चला? बोले जब जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहे हैं, इसका मतलब है बेटा जन्म होने वाले। गर्भ में जो बच्चा हो माता को चटपटी की अच्छी लगती है। मैया जैसे भी जितने प्रिय थी, बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है। बड़ी सुंदर खीर बनवाई, श्री नारायण को तुलसी पत्ता से भोग लगाए, मैया को खीर खिलाई और माता जी को बड़ी सुंदर सुंदर राम की कथा नारायण की कथा सुनाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की फोटो दिखाते हैं। देखो ये एक गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब है पेट में जो बच्चा होना माँ जो कुछ करती है वो बच्चे के ऊपर वही प्रभाव पड़ती है। गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर माताएं गीता रामायण भागवत पढ़ो ना, बच्चा इतने अच्छा बन करके आओगे आएगा तो सोच नहीं सकते। अब रामायण लव कुश देखे होंगे, जब मैया सीता गर्भवती थी बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग अयोध्या में आए, बोले ठाकुर का देखो कितने सुंदर योग है। मैया सीता बैठ करके संतों की सत्संग सुने, भगवान राम कहते सीते इसी समय अगर तू सत्संग सुनोगे तेरे पेट में बच्चा भी सत्संग सुनेगा, बच्चे संस्कारी होंगे वही लव कुश सुनोगे। क्या विद्वान बने लव कुश, आप देखे होंगे राम की कथा राम को सुनाए, क्या पराक्रमी हुए, चतुरंगी अयोध्या को धराशाई कर दिए, देखा कि नहीं, क्या पराक्रमी हुए। इसलिए गर्भ संस्कार बहुत बड़ी एक संस्कार है। कितने ने एस और नंदा बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, उसने तो छह महीना पहले आकर घर में बैठी थी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती है, बेटा जन्म देगा, कम से कम मेरे को नवला धार मिले। वो छह महीना पहले आकर घर में जम कर बैठी थी और सारे घर का काम काज को भाग भाग कर कर रही थी। लग रहा था मैंने आज ही घर बेटा की जन्म हो जाएगा। रात में गांव में 8 बजे तक सबके सब जगे रहते हैं, उसके बाद में खा पकड़ कर सो जाते हैं। बोले एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा का ड्यूट लगवाओ, 8 से 10, 10 से 12 करके ड्यूट लगा दो, माताओं की ढोलकी दे दो, मजरा दे दो, कीर्तन करे 8 से 10 तक दिन को ड्यूट लगवाए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 आधार में हरि गोविंद जय जय आधार में हरि गोविंद जय I'm
जितने गोप लोग थे बगलवती धोती और पगड़ी पहनी करके सबके सब दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के आ रही थी। जब गोपियां आ रही थी कान में सुंदर कुंडल पहन रखी थी, कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम जाने से पहले, पहुंचने से पहले पहले हम पहुंच करके लाला को आशीर्वाद दे। अपना चोटी में सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार करके रखी थी, एक एक फूल गिरते गिरते उनके चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को बधाई देने जा रही है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे तो क्या होगा? खोल करके निकाल करके फेंक देंगे, इसको जमुना में बहा देंगे। अगर ब्रज रज में मिलेंगे, कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होकर धुमुक धुमुक करके चलेंगे, कम से कम उनका चरण का स्पर्श तो मिलेगा। इसे जितने गोपियां थी ना सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, पहले माता ही भाई लोग नहीं, आपका नंबर बाद में आएगा। पहले माताएं बोलना बधाई हो जोर से बोलना, नहीं तो उसको बाद में भाई लोग बोलेंगे, देखेंगे किसका बधाई जोर से होता है। ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो। आनंद आया, लेकिन उसको जो पीछे जो माता है ना, जो पीछे माता है बैठी हुई चुपचाप बैठी हुई, उनका मुंह नहीं बोल रही। और एक बार जोर से बोलो, बोले मैया जसोदा बधाई हो। इतने में मैया बोले बधाई हो ब्रज को गोपियां, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बुढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। लाला मेरो नहीं, लाला तुम सबको लाला है। और जितने गोपियां हृदय से लाला को आशीर्वाद दे रहे थे, और जितने बड़े बूढ़े थे, जितने गोप लोग थे, हैं भैया तुम्हारे नंबर आ रहा है, देखते हैं किसका आवाज तेज होता है। इतने में हमें बोलूंगा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो। बोले नंद, इतने में जितने गोप लोग थे बोले नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। भैया जी लोग जीत गए और इन्होंने जिता दिया। हाँ ये तो गड़बड़ी कर दिया इन्होंने, कोई कोई बात नहीं। देखो वृंदावन में ना बताओ तो किसका नाम सब दुनिया लेते हैं? वृंदावन में बांके बिहारी का नाम लेते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं, सबके सब राधा जी का नाम लेते हैं। अगर राधा कृष्ण का अगर दोनों का अंदर में कॉम्पिटिशन होना, जितनी राधा रानी जीतती है, और राधा रानी जीतने पर कृष्ण खुश होते हैं, कृष्ण जीत कर भी खुश नहीं होते, राधा जी की खुश नहीं बांके बिहारी खुश होते हैं। अभी जितने सब गोप लोग थे हृदय से लाला को बधाई दे रहे थे, बोले जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना। पिता माता के चरण छूता है, देखना हृदय से अपनी आप आशीर्वाद निकलता है। पिता माता का आशीर्वाद इतना बड़ा बताया, इतने बड़ा बताया, अगर ललाट में कोई उल्टा पुलटा होना, सवेरे उठ करके जो पिता माता को प्रणाम करते हैं सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान राम क्या करते थे, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता। इसलिए ठाकुर जी सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते थे। इसलिए आप लोग भी क्या करना, सवेरे कौन पिता माता की चरण छूते हैं? हाथ उठाओ तो कोई नहीं, कोई भी नहीं चरण छूते। देखिए
भी कोई हाथ उठा रहे हैं। इसलिए जो 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 चरण नहीं छूते होना, सवेरे उठ कर क्या करना, पिता माता नहीं तो सास ससुर, पिता माता नहीं तो सास ससुर को क्या करना, चरणों की चरणों को छूनी चाहिए। देखो इतने बहु यदि सुन लो, जो व्यक्ति सास ससुर की चरण छूते हैं ना, जो सेवा करते हैं, जैसे मानो इसके तीन लड़के हैं, ध्यान से कर सुनो, इसके तीन लड़के हैं, लेकिन एक जो बहू है खूब सास ससुर की सेवा करती है, खूब सेवा करती है, घर का जितने सोने चांदी किसको पास में रहता है, बोलो किसको पास में, सास ससुर को पास में। तो घर में बटाई होता है कि नहीं, जब अलग अलग हो जाते हैं उसको भी बंटवारा होता है। अगर जो बहू ज्यादा सेवा करेगी, सास क्या करेगी, वो वहां से कुछ सोने चांदी उठा कर पहले दे देगी, बल्कि रखते, क्योंकि जब बंटवारा होगा ना बराबर, तो बराबर तो बंटवारा होगी ना, लेकिन जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हर जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए सबके सब ब्रजवासी हृदय से कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे थे, सबके सब आशीर्वाद दे रहे थे, सबके सबका आ गए, लेकिन कीर्ति का सुंदर ब्रजवास महाराज नहीं आए, ये राधा रानी की पिता माता है, ये दोनों आ जाएंगे फिर तो उत्सव प्रारंभ होगा। देखते देखते दोनों अंदर में प्रवेश किया और एक गोप ने किया क्या, एक लठिया लेकर के कीर्ति का मैया जो सर के ऊपर में एक में दही दूध घी रखी थी, यहाँ करके जोर से मारे और मारते ही मटकी फूट गई और ये मैया कीर्ति का दूध दही से स्नान कर लिया। एक होता है दही दादी, दही में घी हल्दी मिला करके एक दूसरों को पर में लगा रहे थे, इतने दूध दही लाए थे वहां तो कीच कीच हो गया, फिसल फिसल करके एक दूसरों को पर गिर रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और इतने बड़े बड़े मक्खन की ठेले को ठेले उठा उठा करके एक दूसरों को पर में फेंक रहे थे। एक 100 साल की बुढ़िया थी, एक भी सांस थी नहीं, ऐसे मुंह करके देख रहे थे, बोले भैया नंद उत्सव तो बड़े जोर से हो रहा है। एक गोप ने उठाया मक्खन की थैला और वो माता जी की मुंह पर नजर करके मारे, मारते ही ना एक तो सांस थी नहीं और मुंह में लगा तो सिद्धांतर में सकल गई, बोले भैया नंद उत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। नंद बाबा का आंगन इतना बड़ा आंगन, राजा का है ना, इतने दूध दही लाए हुए थे, पूरा आंगन आंगन भर गया और सबके सब बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, सबके सब जा रहे थे। नंद बाबा बैठी बैठ कर मटक मटक करके देख रहे थे, बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो गए, पूरा ब्रज आकर के नाच रहे हैं, तू तो एक बार नाच ले। उनकी कमर को उनको कमर में फेटे बांध कर रखे थे, पकड़ करके बीच में ले आए, जब आंगन का बीच में ले आए चारी तरफ में दूध दही से भरा हुआ था, ऐसे लग रहा था मानो एक खीर समुद्र प्रकट हो गया है। नंद बाबा दिखने में गौर भरने के बड़े लंबे चौड़े थे और फेटे का एक तरफ में नंदगांव के लोग, दूसरे तरफ में बरसाना के भक्त, दोनों तरफ में पकड़े हुए थे, ऐसे लग रहा था मानो खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। हमारे गोस्वामी लोग बड़ी सुंदर वर्णना करते हैं, वो वर्णना करते हैं जैसे कल लवण समुद्र मंथन हो रहा था जिसमें 14 रत्न निकला, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर नंद बाबा इतने दान दक्षिणे सोने हीरे जवाहरात दिया, वहां पर तो ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे और गठली की कोने में गिरते 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 जा रहा था, ऐसे लग रहा था मानो भगवान कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी गली गलियों में नाच रही है, ऐसे लग रहा था। वहां पर श्री शंकर भी आए थे, उनका वाहन शंकर का वाहन कौन है, शंकर जी का वाहन कौन है, नंदी, नंद बाबा मैंने 9 लाख गैया दान किया, शंकर भी चक्कर में पड़ गए, डर गए, बोले क्यों, बोले 20 लाख गैया नंद बाबा दान दिया, ऐसे नहीं भूल से अगर मेरे नंदी को अगर दान दे दिया भैया मैं किस में बैठ करके जाऊंगा, मेरे वाहन चला जाएगा,
उन्होंने नदी को कूद को पकड़ ली। वहां पर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया, वहां पर हाथी घोड़ा भी दान दे रहे थे। इतने में मैया पार्वती का भी दो बेटे हैं, कौन कौन है दो बेटे, कार्तिक गणेश, वो भी गजानन नंद बाबा हाथी दे रहे थे। बोले ऐसे नहीं हो, हाथी को देते देते भूल से अगर मेरे लाला को हाथी मान करके दे देंगे पर लाला ही चला जाएगा। उनने तो डर को मारे गणेश जी को गोद में लेकर के चुपका करके खड़ी होती। वहां पर कुबेर आए थे, कुबेर कौन है, स्वर्ग के सारे धन दौलत के जो राजा है, कहते कितना नंद बाबा ने दान दिए। वहां पर कहते कुबेर का सर भी झुक गया। बोले क्यों, बोले भगवान मेरे को क्यों झूठ मुर्दा कुबेर बनाया, आज नंद बाबा को पास में इतने धन दौलत है, भैया मेरे पास अभी नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता मई प्रकल तत्म सुकल्प विक्र, ब्रज का एक भी जो धूल नहीं वो चिंता मई करोड़ करोड़ कहते हैं संपत्ति को एकत्रित करने पर बड़ी कुबेर की, कहते ब्रज का एक धूल को साथ में बराबर नहीं कर सकते, ऐसे ब्रज की संपत्ति है। आप लोग रामायण पढ़े होंगे, यहाँ प्रश्न इतने संपत्ति कहाँ है, कहते वहां पर स्वयं राधा रानी, राधा रानी कौन है, सर्वलक्ष्मी मई राधा रानी, वहां पर जहाँ राधा रानी स्वयं धन दौलत की कमी था। अब रामायण सुने होंगे जब अयोध्या से बरात जनकपुरी में आई, वर्णना करते हैं गोस्वामी जी, जब उन्होंने जनकपुरी में प्रवेश किया, जनकपुरी के बाहर जो छोटे जाति के लोग रह रहे थे, देखा लोटे में पानी लेकर के शौच क्रिया में जा रहे हैं। वो लोटे कैसे बना हुआ, सोने की लोटे थी, जो ब्रश थी कैसे, बोले सोने की। और जब उन्होंने जनकपुरी में आए क्या स्वागत की गई, वहां पर हाथी घोड़े को काजू किशमिश पास्ता खिला रहे, पिस्ता खिला रहे थे, और रोज रोज जनकपुरी लोगों को भोजन कैसे कराते थे, सोने की प्लेट, सोने की कटोरी, सोने की ग्लास, जैसे यहाँ पर हमारे जैसे एक बार पत्ते में खाकर फेंक देते ना डस्टबिन से, सोने की प्लेट रोज रोज सोने की प्लेट में भोजन करना और खाने के बाद डस्टबिन से फेंक दो। इसको अयोध्या वासी देख देख कर तरस रहे थे, भगवान इतने संपत्ति जनकपुरी में, इतने संपत्ति क्यों, वहां पर स्वयं लक्ष्मी माता जानकी वहां पर विद्यमान थी, इसलिए ऐसे स्वागत की। इसलिए आज नंद बाबा इतने दान दे रहे थे, सारा दुनिया देख देख कर कुबेरे भी देख करके उसका सर भी झुक गया। इसलिए नंदी बंदी मागर ये लोग भी आए मांगने के लिए, और जो जितने जितने मांग रहे थे ना, नंद बाबा सबको डबल डबल करके दे रहे थे। लेकिन वहां पर सबके सब नाच रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन यहाँ पर लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर बैठी हुई, बोले कौन, बोले माता रोई, बोले क्यों दुखी होकर बैठी हुई, बोले ये प्रसिद्ध भद्रिका, बोले प्रसिद्ध भद्रिका का मतलब क्या, बोले जिसका पति दूर देश में और विपत्ति में पड़ा हुआ, पति कौन, वसुदेव महाराज, कहाँ, मथुरा में, किसी अवस्था में जेल में, कंस की जेल में। अगर किसका पति अगर जेल में बंद हो, पत्नी कभी सभी के सामने नाचेगी, नाच नहीं सकती, इसलिए वो बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। नंद बाबा देखा सबके सब तो नाच रही है गा रही है, लेकिन घर की सदस्य ही नहीं, उनने गए देखने के लिए, देखा रोहिणी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई। नंद बाबा बोले रोहिणी जब से तुमने ब्रज में आई हो तब से ब्रज की बैठी कहा हो, पहले तो दाऊ भैया जन्म हुई क्योंकि हमारी सोचा ही नहीं था, तुम आने पर सबसे पहले दाऊ भैया आए, उसके बाद में कृष्ण कन्हैया आए। हाँ मेरे को पता तेरे पति दूर देश में, लेकिन घर में तुम दो ही स्त्री हो, एक रोहिणी और एक जसोदा। अभी तो जसोदा ने बच्चे जन्म दिया, घर का काम तो कर ही नहीं सकती, अभी तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा ना, जाओ थोड़ा लाला को आशीर्वाद दे करके आओ। बलदेव प्रभु 15 दिन पहले जन्म हुए थे, लेकिन वो जन्म से 8 वर्ष करके रखे थे, इनकी इच्छा थी सबसे पहले मैं कन्हैया को देख करके दुनिया को देखूंगा। जब उनने बलदेव प्रभु को ला करके कृष्ण को पास में खिला दी, इतने में कृष्ण को सामने आते ही बलदेव प्रभु आँख खोल दी, आँख खोल करके देखा सामने कृष्ण है,
ऐसा रोहिणी मैया को रहा नहीं दिया, वो भी ठुमुक लगा करके वो भी नाचना शुरू कर दी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रोहिणी च महाभागा, ये मैया रोहिणी बड़ी भाग्यवती बल क्यों, कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उत्सव मथुरा में नहीं हुआ, उत्सव हुई गोकुल में। केवल मथुरा की एक ही व्यक्ति हिरोलाल जी पिछले केवल एक व्यक्ति ही वो उत्सव का आनंद लिया। बोले कौन दिया है, बोले भैया रोहिणी आनंद लिया। बोले श्री रोहिणी मैया जी, हाँ प्रभु जी आपने एक बधाई खा रहे जब दिया। जय जय श्री राधा रानी जन्म महोत्सव की, कृष्ण का जन्म महोत्सव बधाई। जन्म लिया जनम लियो
I'm gonna make you mine.
चुपचाप बैठी सारी संपत्ति घर में खड़े हो जाओ सब कहते एक बार भगवान के दरबार में जो नाच ले चौरासी जो भी नाचना खत्म हो जाएगी नहीं तो सबके सामने नाचना पड़ेगा एक बार सब खड़े हो जाओ हाँ खड़े हो जाओ Hadi go!
की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल 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 की, जय कन्हैया लाल की।